हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राज चंदनी। आज हम पढ़ेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है ये हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर आप ज़रूर उसे देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचर क्या है मार्केटिंग के? सबसे पहला है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन नीड इज़ एंडलेस, देयर सेटिस्फैक्शन इज नो एंड, सो द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर डन टू फुलफिलिंग द नीड ऑफ द कंज्यूमर। दैट मीन्स ह्यूमन की जो नीड है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है। वो हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए वांट, उसकी जो सेटिस्फेक्शन वो फुलफिल नहीं हो पाती। इसलिए मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि हमारी नीड को कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा गोल ओरिएंटेड। ऑल द ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर गोल, आइदर अ स्मॉल और अ बिग, बोथ टू वॉन्ट अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास स्मॉल बिजनेस भी होता है और लार्ज बिजनेस भी होता है, लेकिन सारे बिजनेस का जो गोल है वो एक ही होता है कि हम किस तरीके से अपने गोल को अचीव करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करें, मार्केट में सर्वाइव करें, लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव करें मार्केट में। यानी ये सारे चीज़ होते हैं वो गोल ओरिएंटेड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग स्टार्ट एंड एंड विथ कंज्यूमर, यानी कि जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट भी होती है कंज्यूमर के लिए और ख़त्म भी होती है कंज्यूमर के लिए। मार्केटिंग इज स्टार्ट टू डिटरमाइनिंग द कंज्यूमर नीड एंड एंड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज पॉइंट। यानी कि मार्केटिंग को बनाया है इसी लिए गया है ताकि हम कंज्यूमर की नीड को कम्प्लीट कर सकें, उसको जो भी चाहिए, उसके जो भी वॉन्ट, उसको सेटिस्फाई कर सकें। एंड नेक्स्ट है हमारा डायनेमिक इन नेचर, यानी ये कि जो हमारा मार्केटिंग है ये डायनेमिक नेचर का, यानी ये कि ईजी टू चेंज द डिसीज़न, यानी ये कि हम आसानी से अपने पॉलिसीज़ को, अपने एनवायरमेंट को चेंज कर सकते हैं अगर यह चीज़ हमारे बिजनेस के लिए सही रिज़ल्ट देगा तो। ये नहीं कि अगर गलत देगा तो हम इसको चेंज कर लें चाहे किसी भी हालत में, ऐसा नहीं। हमारे इको फ्रेंडली हो और हमारे बिजनेस के ग्रोथ को अप करे, देन हम क्या करेंगे कि अपने मार्केटिंग पॉलिसीज़ को, कुछ प्लानिंग को कुछ चेंजिंग ला सकते हैं ईजिली तरीके से। नेक्स्ट है हमारा कोर कनेक्शन, यानी ये कि कस्टमर के साथ हमारा कैसा रिलेशन रहता है। मार्केटिंग कैन क्रिएट द कोर कनेक्शन बिटवीन द कंज्यूमर एंड मार्केटर, यानी कि मार्केटिंग एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम अपने कंज्यूमर और ये प्रोड्यूसर यानी मार्केटर के बीच में एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम किसी मार्केटर के पास गए हैं कुछ सामान खरीदने के लिए और अगर हमें वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट या फिर कुछ एडवांटेजेस दे रहा है, ऑफ़र दे रहा है, तो इससे हमारा नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो हमारा एक अच्छा रिलेशन बन गया, क्योंकि उसने मुझे कुछ ऑफ़र दिया था इस वजह से मैं दोबारा गई हूँ उसके शॉप पर। यानी ये एक कोर कनेक्शन बनता है, एक बेटर रिलेशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है हमारा स्कोप। मार्केटिंग के क्या क्या स्कोप हैं? सबसे पहले हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन पे मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप चाहें तो वहाँ जाकर वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन यानी ये कि जब भी हम अपने मार्केट को कुछ सब डिविज़न पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इन द होमोजीनियस ग्रुप बाई द डेमोग्राफिकल, जियोग्राफिकल, बिहेवियरल और द लोकेशन वाइज, तो इसे हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंट। यानी ये कि मैंने कुछ कस्टमर को उसके नीड के अकॉर्डिंग बांट दिया है। जैसे कि किसी ने राशन का सामान खरीदा है तो मैंने कहा कि आप राशन की दुकान वाले इस सेक्शन में जाइए, आपको कपड़े के सामान चाहिए आप कपड़े वाले सेक्शन में जाइए। इस तरीके से मैंने कस्टमर को उस होमोजीनियस मार्केट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है? सेल्स प्रमोशन इज द प्रमोशनल एक्टिविटीज़। इन दिस एक्टिविटी टू गेट the awareness the customers फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यानी ये कि सेल्स प्रमोशन एक तरीके का प्रमोशनल एक्टिविटीज़, जैसे कि हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, ये सारे। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कस्टमर को अवेयर करते हैं ताकि वो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को परचेज करें, जिससे हमारी जो कंपनी है, हमारा बिजनेस है, उसका ग्रोथ हो। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, सो द एवरी प्रोड्यूसर ट्राई टू गिव द कंप्लीट सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। यानी ये कि हमारे मार्केट में अगर कंज्यूमर होंगे तभी तो हमारे बिजनेस का ग्रोथ होगा, हमें प्रॉफिट गेटिंग होगी, लेकिन अगर कंज्यूमर ही नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए कंज्यूमर हमारे होल मार्केट का राजा होता है, किंग होता है। इसलिए एवरी प्रोड्यूसर, जो हर मार्केटर है, वो ट्राई करता है कि हम किसी भी कंडीशन में जो हमारा कंज्यूमर है उसके सेटिस्फेक्शन को कम्प्लीट करें।
नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर रिसर्च. इन द मॉडर्न मार्केटिंग द मार्केटर विल स्टार्ट द बिजनेस विद द गोल ऑफ फुलफिलिंग द नीड ऑफ द कंज्यूमर. आज के मॉडर्न टाइम में सारे लोग प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे बिजनेस को स्टार्ट करूँ जिसके मैं अपने गोल को भी अचीव कर लूँ और जो कस्टमर हैं उनकी जो नीड है वो भी कम्प्लीट हो जाए. नेक्स्ट है हमारा प्राइसिंग पॉलिसी. मार्केटिंग हैव डायनेमिक नेचर सो इट कैन ईजी द चेंज द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच आर गिविंग द बेटर इफर्ट इन द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मार्केटिंग जो है हमारा एक तरीके से डायनेमिक नेचर का होता है, इसलिए हम इसमें किसी भी तरीके के चेंजिंग जो है ला सकते हैं अगर ये हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए अच्छा है तो. इसलिए हमारा जो प्राइसिंग पॉलिसी है इसमें भी हम चेंजेस लाते हैं अगर इससे हमारे बिजनेस का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होता है तो. ये था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड द स्कोप ऑफ द मार्केटिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कंप्लीट करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग. अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग.